हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपेट एंड एप्पल जीपी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब्सॉर्प्शन। लास्ट टाइम बायोफार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक पढ़े थे बायोफार्मास्यूटिक्स है क्या, कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज स्टार्ट करते हैं अब्सॉर्प्शन से। अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? जैसे सपोज मान लो कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो ड्रग जो है हमारी ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जैसे आप ड्रग ले रहे हो, जैसे आप ड्रग या फिर आप ऑरली ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऑरली मीन्स कि आप टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप पेरेंट्रल फॉर्म में ले रहे हो जैसे इंजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो होती है एडमिनिस्टर करना ड्रग का, ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, किस साइड से आप ले रहे हो, ठीक है। तो आप वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ले के ड्रग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होना, तो वो पास आउट होते टाइम पे कहाँ पे रीच करेगी? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के, ब्लड सर्कुलेशन में, जैसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं, जब प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ तक रीच करेगी। तो वो सारा प्रोसेस जो ड्रग का मूवमेंट होना वहाँ से लेके वहाँ तक, दैट इज़ कॉल्ड अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है आपको अब्सॉर्प्शन है क्या। ड्रग प्रोडक्ट में प्लाज्मा तक मेम्ब्रेन, ड्रग मॉलिक्यूल्स का अब्सॉर्ब होना मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना, दैट इज़ कॉल्ड अब्सॉर्प्शन। और प्लाज्मा से लेके एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में ड्रग का जाना, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर एलिमिनेशन होगी तो दैट्स मीन मेटाबोलाइज होगी ड्रग, ठीक है। एलिमिनेशन में आपका दो प्रोसेस फॉलो होते हैं, एलिमिनेशन में जहाँ तो ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जाती है या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एलिमिनेशन मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैं दोबारा करवा देती हूँ कि जो ड्रग हमारी दो टाइप से मतलब एलिमिनेट होती है, जहाँ तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है या फिर वो बॉडी के अंदर ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ड्रग मीन्स कि उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। मेटाबॉलिज्म तभी होगी अगर ड्रग आयनाइज होगी, मतलब वो आयंस बना लेगी, बाइंड कर जाएगी, तो वो बाहर निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो दूसरी, अगर वो एलिमिनेट एक्सक्रीट अन आयनाइज है ड्रग, तो वो आपकी ड्रग बाहर निकल जाएगी बॉडी से, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होगी? आपकी एक्सक्रीशन मीन्स कि जो थ्रू यूरिन के थ्रू हो जाती है, रेनल के थ्रू एक्सपेल आउट कर देते हो वॉमिट करके, है ना। तो एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में ये डिफरेंस है, ठीक है। एलिमिनेशन में हमेशा आपकी आयोनाइज ड्रग जो है वो होती है जो बाइंड कर जाती है, मतलब बॉडी में रह जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। एक्सक्रीशन में आपकी ड्रग जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो उसके बाद आता है डिस्पोजिशन, क्या होता है डिस्पोजिशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आपका ड्रग का ब्लड से जो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एलिमिनेशन का मतलब है मेटाबोलाइज होना, हो जाना, मेटाबोलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, तो ये सारा हमारा एलिमिनेशन में आता है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अब्सॉर्प्शन क्या है। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो मैंने फिर यहाँ पे फिर दोबारा क्लियर किया है कि जो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से लेके ब्लड में जाना ड्रग मॉलिक्यूल का थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपका अब्सॉर्प्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारी जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग मॉलिक्यूल, DM का मतलब है ड्रग मॉलिक्यूल, जो ड्रग मॉलिक्यूल हमारे जा रहे जो हैं वो DM मीन्स कि ड्रग मॉलिक्यूल साइट ऑफ एक्शन से लेके ब्लड तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वो सेल मेम्ब्रेन है क्या, उसका वर्क क्या है? जैसे आप घर पे रह रहे हो, घर का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आप किसी को आने जाने नहीं दोगे, आपको पता है ये हार्मफुल थिंग्स है, आपका घर प्रोटेक्शन करवाया, उसको लॉक भी कर सकते हो, आपको कोई रेनफॉल हो रही तो आप छत के नीचे रह सकते हो। सेम इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि इसका अलग अलग टाइप से वेरी करता है, मतलब कि जैसे सपोज मान लो कि जिन ड्रग्स का पोर साइज स्मॉल है उनको अलग पास आउट होना चाहिए होना होता है। तो डिपेंड करता है आपके बॉडी के जो मेम्ब्रेन है वहाँ उसके पोर साइज से भी। तो मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये पहले तो ये इसका मेन मोटिव है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी होती है जो मतलब कोई अन फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारे सूटेबल नहीं है हमारे लिए, तो उनको उनसे हमें हमारा बचाव करवाती हैं जी, ठीक है। प्रोटेक्शन फील करवाती हैं, मतलब प्रोटेक्शन फील नहीं करवाती, रियल में प्रोटेक्शन करवाती हैं ये, ठीक है। तो मेम्ब्रेन साइड्स जो है उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, एक तो मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं जिसमें से मेम्ब्रेन टाइप के होते हैं, जैसे सपोज हमारे ब्रेन में जो
ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रेन में हमारे एक्वस जो पोर होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। तो इसके कारण जो एक्वस पोर नहीं होंगे, एक्वस मीन्स कि जहाँ से वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जा सके, ठीक है। अगर एक्वस पोर्स नहीं होंगे तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही सिर्फ पास आउट हो पाएंगी, तो ऑफकोर्स हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर हैं वो हमारी सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ही पास आउट करवाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो भी सिर्फ लिपिड ड्रग्स की ही होती है, ठीक है। ये जीपेट में क्वेश्चन आया था कि रीअब्सॉर्प्शन किसकी होती है, हाइड्रोफिलिक की या लिपोफिलिक की, तो आप वहाँ पे लिपोफिलिक ही लिखना है, लिपिड लविंग, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वही उनकी होती है। तो उसके बाद आता है हमारा जो ड्रग का ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ड्रग ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जिस सपोज मान लो ड्रग आपने ली, वो अब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी जहाँ तो ऑर्गन में जाएगी, जहाँ फिर वो टिश्यू में जाएगी, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगी, है ना। तो वो सारा ड्रग की मूवमेंट होना, ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, ये सारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है। तो वो सारा प्रोसेस जो फॉलो कर रही है, मूवमेंट होना ड्रग का अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्रग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारी जो कैपिलरीज होती है, ये वेस्टेज, ये भी एक मेम्ब्रेन है जो वेस्टेज बॉडी से पास करवाती है, मतलब बाहर निकालती हैं, और रेनल ट्यूबल्स जो नेफ्रॉन का पार्ट है वहाँ पे ही लगी होती है, ये भी फिल्टर आउट करवाती है मटेरियल को। तो कैपिलरीज जो होती हैं ये सारा वेस्टेज करवाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनको अब्सॉर्ब मतलब उनको करवाती हैं पास आउट। तो ये सारी मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप की होती हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन करते हैं मेडिसिन की भी, कि हमने आयनाइज्ड ड्रग बनानी है। मोस्टली हमारी ड्रग अनआयनाइज्ड ही होती है, मीन्स कि जो आयंस ना बना पाए, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी ड्रग्स जो अनआयनाइज्ड ही होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चर जो है इसका वो दो मेम्ब्रेन जो दो पार्ट है इसके, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक टाइप। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर की बनी है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी है, ये इसमें जैसे पोलर पार्ट है एक नॉन पोलर पार्ट है, तो ये सारी लिपिड की है, ठीक है। तो लिपिड की जो इंटरनल पार्ट जो है, लिपिड जो है, ये हमारी जो है इंक्लूड है किस में, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर देखो हमारा जो GI है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, वो ऐसी बनी है कि उसमें ऐसे अब्सॉर्प्शन बैरियर हैं कि वो सिर्फ न्यूट्रिएंट लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सिर्फ इनको ही पास आउट करवाते हैं। तो लेकिन जो एंट्री होती है टॉक्सिन्स वगैरह की, जितनी भी पॉइजनस होते हैं उनकी टॉक्सिन्स की एंट्री प्रिवेंट करवाते हैं। अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत ही मतलब अलग रिस्पॉन्स मिलता है, आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। तो सारा वो किससे होता है, जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि कुछ अननोन फॉरेन पार्टिकल जो हमारा है बॉडी में एंटर कर गया है, अननोन पार्टिकल जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये सारा काम जो है हमारी GI लाइनिंग में होता है अब्सॉर्प्शन बैरियर के थ्रू ही, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि अब्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है और ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स की छोटी छोटी डेफिनेशन जो 2-2 मार्क्स में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। और इसमें एक बेसिक फंडा है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक का। हाइड्रोफिलिक वो बड़ी ड्रग है जो हाइड्रो लविंग, मीन्स कि पानी के साथ जिनको लव होता है, मतलब पानी में घुल मिल जाती है वो, ठीक है। और लिपोफिलिक वो बड़ी ड्रग होती है जो लिपिड मतलब फैट सॉल्युबल, जो फैट से मतलब इजीली जो फैटी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अब्सॉर्प्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक था। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे ड्रग जो है मैकेनिज्म उसका सारा, सेल मेम्ब्रेन का कैसे, उसमें किस वे से जो है ड्रग अब्सॉर्ब होती है, वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।